आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन बाय 20% इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज ₹33 द ओरिजिनल प्राइस वाज चार ऑप्शन दिए हैं ₹30 बी ₹27.5 सी ₹28.5 एंड डी ₹25 ठीक है चार ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन का मतलब है कि कह रहा है कि प्राइस है ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ठीक है कोई वस्तु की प्राइस को पहले 10% बढ़ा दिया फिर दोबारा उसको 20% बढ़ा दिया सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का केस है और फिर लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज ₹33 ठीक है लास्ट में बचे उसके पास 33 तो पहले इनिशियल प्राइस कितनी थी एक बार 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा लास्ट में वो 33 होगी प्राइस ठीक है तो कितना था इनिशियल में तो आइए देखते कैसे होगा सवाल का जवाब यहाँ फाइनल वैल्यू दी हुई है तो हमें जो इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो आप उसको 10% मान सकते हैं ठीक 10% उसको मान सकते हैं तो अगर बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड एकदम बेसिक से आपको करना है तो ये वाला मेथड नहीं है उसमें क्या करना है आपको पहले उसको एक्स मानेंगे 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 110 अपॉन 100 एक्स ठीक फिर उसको 20% इंक्रीज करेंगे 110 एक्स अपॉन 100 प्लस 110 एक्स अपॉन 100 इंटू 20% ठीक तो बहुत ही बेसिक मेथड हो जाएगा अभी आपको ये तो पता होगा मेरी बेसिक ट्यूटोरियल आपने देख ली होगी परसेंटेज की और अगर नहीं देखी तो उसको पहले जरूर देखिएगा तो इससे आपकी क्लैरिटी को और मजबूती मिलेगी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% बढ़ रहा है जब भी 10% बढ़ता है तो आपको पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं या तो आप सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बताया जैसे 10% इंक्रीज़ हो रहा है जहाँ पे भी इंक्रीज होता है आप उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा 1. ये जो इतना नंबर है उसको रख दीजिए दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 20 हो रहा है तो आप यहाँ सीधा 1.10 इंटू 1.2 लिख सकते थे ठीक है आइए अगर वैसे नहीं करना चाहते तो फॉर्मूले से करें एक्स 10% जब भी कोई इंक्रीज होता है तो उसका होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 100 ठीक है और ये सक्सेसिव केस है तो आप सीधा इसको 1 प्लस 20 अपॉन 100 और फाइनल वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 33 ठीक है कि लास्ट में ये जो आर्टिकल का प्राइस है 33 हो गया ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब आइए इसको सिंप्लीफाई करना है कोई मैथ स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेगा तो एक्स इंटू ये आपका 1.110 अपॉन 100 ये हो गया आपका 120 बटे 100 इक्वल टू 33 तो मैंने जो आपको बोला था 1.1 और 1.2 जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो आप सीधा इसको देख के लिख सकते थे इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं थी आपको तो उसके लिए आपको अगर ये स्टेप्स बचाने हैं तो एक्स्ट्रा या मेरी बेसिक वीडियो देखिए परसेंटेज की जरूर इसको सॉल्व करेंगे तो जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका एक्स इजकल टू 25 मीन्स ऑप्शन डी आपका आंसर था पहले 25 था 10% इंक्रीज हुआ ठीक है तो 27.5 बना फिर उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ उसके बाद 33 बना ठीक है तो आइए अगला मेथड भी देख लेते हैं ऑप्शन डी आपका आंसर तो हम करेंगे रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड फ्रैक्शन मेथड इसको कह सकते हैं रेशियो मेथड भी कह सकते हैं जो मेथड का नाम देना बुक्स में ये मेथड्स हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं कहीं भी बहुत सारी बुक्स में फेमस बुक्स में है तो ये 10% आपको इंक्रीज हो रहा है तो आप परसेंटेज तीन कॉलम बना लीजिए ऐसे ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पहले परसेंटेज लिखिए जो आपके परसेंटेजेज हैं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज वो साइन के साथ आप लिखिएगा यहाँ ओरिजिनल वैल्यू या इंक्रीज वैल्यू ठीक है तो यहाँ 10% इंक्रीज हो रहा है तब देखिए मैंने साइन के साथ लिखा है क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो तो प्लस 10% है तो इक्वल टू 1 प्लस 1/10 आप लिखिए ठीक है तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी प्लस 10 आप लिखिए ठीक है डिनोमिनेटर की ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या होगी डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली ठीक है बेसिक वीडियो में सब कवर किया कि क्यों इसको लिया हुआ है बेसिक वैल्यू आपकी 10 होगी ओरिजिनल वैल्यू और जब इंक्रीज होगी तो ये कितना इंक्रीज होगा 10% ठीक है ओरिजिनल वैल्यू का 10% इंक्रीज हुआ तो कितना बना 11 सीधा आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अब दोबारा इंक्रीज हुआ 20% नेक्स्ट स्टेप में तो 20% इंक्रीज हुआ तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/5 तो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं हम प्लस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू 6 तो आपको देखिए
इंटू फाइव आ गया आपका 50, इंक्रीज वैल्यू आ गया 11 इंटू 6 66। तो अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू आपकी जो है 66 आई है, जो मतलब फाइनल वैल्यू है 66 फाइनल वैल्यू। आप देख सकते हैं फाइनल वैल्यू आपको क्या बोला है कि 33 है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी फाइनल वैल्यू जो है 33 है और यहाँ पे 66 है, मीन्स डबल है आपकी, ठीक है। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आई है यहाँ पे निकल के वो क्वेश्चन की वैल्यू से डबल है, तो मीन्स आपको इसको आधा कर देंगे इंक्रीज वैल्यू को, तो ये कितना आ जाएगा 33। सिमिलरली अगर आप इंक्रीज वैल्यू को आधा कर रहे हैं तो आप इधर ओरिजिनल वैल्यू को भी आधा करेंगे। जब आप ओरिजिनल वैल्यू को आधा करेंगे 50/2 करेंगे 50/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका आपको करने का और है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।